हेलो गाइस, कैसे हो? सब तैयार है जो एक और नए वीडियो के साथ हेलो गाइस, कैसे हो? सब तैयार है जो एक और नए वीडियो के साथ वापिस। और यार आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ उन 5 फिल्मों के बारे में जिन फिल्मों का अल्लू अर्जुन ने रिजेक्ट किया था और उसके बाद वो फिल्में काफी बड़ी हिट बनी थी। सो गाइस, वो कौन कौन सी फिल्में हैं, किन किन रीजन की वजह से अल्लू अर्जुन ने इन फिल्मों को रिजेक्ट किया था, इन फिल्मों को नहीं कर पाए थे और बाद में किस तरीके से वो बड़ी हिट बनी थी, सारी चीजें आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई लोग, नंबर 5 पर आती है गैंगली। तो भाई लोग, नंबर 5 पर आती है गैंग लीडर, जो कि यार 2019 में रिलीज हुई एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी। इस फिल्म के लीड रोल में आप सभी को नेचुरल स्टार नानी देखने को मिलते हैं। इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है विक्रम कुमार ने, जिन्होंने इस फिल्म की कहानी लिखते समय जो है अल्लू अर्जुन को इस फिल्म के अंदर कास्ट करने का सोचा था। लेकिन बाद में इस फिल्म की जब कहानी कम्प्लीट हुई और ये फिल्म जब अल्लू अर्जुन को ऑफर हुई तो उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया। उसके बाद इस फिल्म के अंदर उन्होंने नेचुरल स्टार नानी को कास्ट किया और इस फिल्म को पूरा बना करके रिलीज करवाया और ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर काफी बढ़िया साबित हुई थी। ये फिल्म जो है वो सभी को काफी पसंद आई थी, इस फिल्म को काफी अच्छी रेटिंग भी मिली हुई है। ये फिल्म जो है वो अभी तक हिंदी में डब होकर रिलीज नहीं हुई है। सो गाइस, इस वजह से मैंने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो मैं अपना ओपिनियन नहीं दे सकता कि इस फिल्म के अंदर अल्लू अर्जुन होने चाहिए थे या फिर नेचुरल स्टार नानी ही सही है। वैसे अगर आप में से किसी ने भी इस फिल्म को देखा है। इसी के साथ नंबर 4 पर आती है पत्रा, जो कि यार इसी के साथ नंबर 4 पर आती है बद्रा, जो कि यार 2005 में रिलीज हुई एक एक्शन रोमांस मूवी थी। ये फिल्म के रीडोल में आप सभी को रवि तेजा देखने को मिलते हैं। ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर काफी सक्सेसफुल रही थी, काफी बढ़िया कमाई की थी इस मूवी ने। इस फिल्म की जो फिल्म मेकर है उन्होंने जब इस फिल्म को बनाने की सोचा था तब उन्होंने इस फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को कास्ट करना चाहते थे और उसको लेकर उन्होंने अल्लू अर्जुन के सामने ऑफर भी रखा था, लेकिन अल्लू अर्जुन जो है इस ऑफर को मना कर देते हैं। उस पर अल्लू अर्जुन जो है वो आर्या और गंगोत्री जैसी बेहतरीन लव स्टोरी फिल्म कर चुके थे और काफी फेमस हो चुके थे और ये भी एक लव स्टोरी मूवी थी, लेकिन इस फिल्म को अल्लू अर्जुन ने शायद इस फिल्म को इसलिए साइन नहीं किया होगा क्योंकि वो आगे चलकर एक स्टाइलिश और एक्शन स्टार बनना चाहते थे। इमेजिन करो कि अल्लू अर्जुन एक रोमांटिक हीरो होते तो क्या हमें सर नायडू डीजे। इसी के साथ नंबर 3 पर आती है अर्जुन रेड्डी, जो कि 2017 में रिलीज हुई एक रोमांस ड्रामा मूवी थी। इस मूवी के रीडोल में आप सभी को विजय देवरकोंडा देखने को मिले थे। जिन लोगों को इस फिल्म के बारे में नहीं पता, मैं आप सभी को बता दूं कि यार कबीर सिंह मूवी जो है वो इसी मूवी की रीमेक थी और ये फिल्म जो है वो काफी बड़ी हिट साबित हुई थी और ये फिल्म के अंदर आप सभी को पहले अल्लू अर्जुन रीडोल में देखने को मिलने वाले थे। जी हां दोस्तों, विजय देवरकोंडा की जगह है इस फिल्म के अंदर आप सभी को अल्लू अर्जुन देखने को मिलने वाले थे। लेकिन जब ये फिल्म अल्लू अर्जुन को ऑफर हुई थी तब वो टाइम ऐसा था जब उस टाइम पर अल्लू अर्जुन एक एक्शन हीरो के तौर पर बाहर निकलकर आ चुके थे। सर नायडू, लकी द रेसर और सन ऑफ सत्यमूर्ति जैसी बेहतरीन एक्शन फिल्मों में काम करने के बाद अल्लू अर्जुन एक एक्शन हीरो के तौर पर जाने जा चुके थे। इसलिए जब उनको ये फिल्म ऑफर हुई तो उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया क्योंकि ये एक प्योर रोमांटिक मूवी थी और जहां तक मुझे लगता है कि ये सही भी हुआ था क्योंकि यार इस फिल्म के अंदर जो हमें विजय देवरकोंडा का जो लुक और जो भौकाल देखने को मिलता है वो काफी सही था। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि अल्लू अर्जुन वो स्टाइल हमें इस मूवी के अंदर नहीं दे सकते थे, लेकिन अल्लू अर्जुन का एक स्वैग अलग है। उस उनकी फिल्मों में हमें सब कुछ एक साथ देखने को मिलता है तो ज्यादा मजा आता है, लेकिन ये एक अलग टाइप की थोड़ी सी मूवी थी जिसमें मैं कहूंगा कि विजय देवरकोंडा थे तो मुझे काफी सही लगा और मैं इस फिल्म के अंदर विजय देवरकोंडा को ही देखना चाहूंगा। आपको क्या लगता है विजय देवरकोंडा इस मूवी के अंदर सही है या नहीं, या फिर अल्लू अर्जुन को होना चाहिए था? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। नंबर 2 पर काफी जबरदस्त मूवी आती है गीता गोविंदम, जो कि 2018 में रिलीज हुई एक रोमांस ड्रामा मूवी थी। इस फिल्म के रीडोल में आप सभी को मुझे बताने की जरूरत नहीं है, विजय देवरकोंडा देखने को मिले थे और ये एक काफी जबरदस्त मूवी साबित हुई थी। ये फिल्म सभी को काफी ज्यादा पसंद आई थी, लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इस मूवी के अंदर पहले हमें अल्लू अर्जुन देखने को मिलने वाले थे? जी हां गाइस, इस फिल्म की जब कहानी लिखी गई थी तो अल्लू अर्जुन को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म की कहानी लिखी गई थी, लेकिन जब इस फिल्म की कहानी
शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इस फिल्म को अल्लू अर्जुन के सामने रखा गया तो उन्होंने इस फिल्म को साफ मना कर दिया ये कहकर कि ये फिल्म जो है वो मेरे टाइप की नहीं है। और ये डिसीजन काफी सही भी था क्योंकि अल्लू अर्जुन जो है वो एक एक्शन और स्टाइल हीरो के तौर पर तब तक जाने जा चुके थे। ये दौर भी वही था जब अल्लू अर्जुन ने रेस गुर्रम, लकी द रेसर और ना पेरू सूर्या जैसी बेहतरीन एक्शन स्टाइल फिल्में देख चुके थे। तो ये फिल्म को लेकर उनका डिसीजन था जो मुझे लगता है काफी सही था। और उसके बाद लपक लिया इस मूवी को विजय देवरकोंडा ने और ये फिल्म जो है वो बॉक्स ऑफिस पर काफी ज्यादा सक्सेसफुल रही और सभी को ये मूवी काफी ज्यादा पसंद आई थी। आपको क्या लगता है कि नंबर वन पर अपनी सबसे बड़ी हिट मूवी आती है बजरंगी भाईजान जो कि 2015 में रिलीज हुई थी। अब इस मूवी के बारे में तो यार सभी लोगों को पता ही होगा। इस मूवी के लीड रोल में हमें सलमान खान देखने को मिले थे लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि यार इस फिल्म के अंदर भी आप सभी को सबसे पहले अल्लू अर्जुन देखने को मिलने वाले थे। जी हाँ गाइस, ये फिल्म जब अल्लू अर्जुन को ऑफर हुई थी तो उन्हें जो है ये फिल्म को मना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने पहले से ही कई सारी फिल्में साइन कर रखी थी। उसके बिजी शेड्यूल की वजह से वो उन्होंने इस फिल्म को मना कर दिया था लेकिन बाद में इस फिल्म को सलमान खान ने किया और बाद में ये फिल्म कितनी बड़ी हिट साबित हुई ये तो आप सभी लोगों को पता ही है। मुझे लगता है कि सही हुआ क्योंकि ये जो मूवी है इस मूवी को अगर उस टाइम पर अल्लू अर्जुन करते तो शायद इस फिल्म को उतनी ज्यादा रीच नहीं मिल पाती क्योंकि अल्लू अर्जुन 2015 में उतनी ज्यादा हिंदी ऑडियंस के बीच में पॉपुलर नहीं थे। ये एक तेलुगु मूवी बनकर रह जाती लेकिन ये फिल्म जो सलमान खान ने की और ये फिल्म ओवरऑल इंडिया में काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। आपको क्या लगता है कि सलमान खान ने ये सही किया या फिर हमें अल्लू अर्जुन ही इस मूवी के अंदर देखने को मिलने चाहिए थे? आपको क्या लगता है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। तो भाई लोग यही थी अल्लू अर्जुन की वो 5 फिल्में जिन्हें अल्लू अर्जुन ने रिजेक्ट किया और बाद में वो काफी बड़ी हिट साबित हुई थी। इनमें से आप कौन कौन सी फिल्मों में एज अ अल्लू अर्जुन को चाहते हो? क्या आपको लगता है कि इस फिल्म के अंदर इस हीरो के बजाय अल्लू अर्जुन ही होते तो शायद ये फिल्म और भी ज्यादा बेस्ट होती? आप कौन सी फिल्म को लेकर ऐसा सोचते हैं आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और यार अल्लू अर्जुन के फैन हो तो यार इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही और अपने फेवरेट किसी हीरो के ऊपर वीडियोस चाहते हो तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो।